हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो बीम की हम लोग सटरिंग जब चेक करते हैं तो वहाँ पे हमको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो है वो है कि जो सटरिंग का मटेरियल होता है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और जो उसका फॉर्मवर्क का जो सरफेस होता है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है, इसका हमको ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट है कि जो प्लाई होती है उस पर सटरिंग ऑयल लगा रहना चाहिए ताकि हम लोग जब डी सटरिंग करेंगे तो कंक्रीट उस पर चिपके ना, वो इजीली रिमूव हो जाए। और जो थर्ड है कि जो अब बीम होता है उसका हमको वर्टिकल भी चेक करना होता है, वो भी प्लम का यूज़ करके। तो ये तीन पॉइंट है। नेक्स्ट है, फोर्थ है जो लेवल होता है बीम का, बीम के सोफिट का और जो बीम का जो टॉप होता है, इन दोनों का लेवल एज पर ड्राइंग होना चाहिए, ये भी हमको चेक करना होता है। फिफ्थ पॉइंट जो हम चेक करते हैं वो होता है जो बीम के स्टीरअप्स होते हैं वो एज पर ड्राइंग के हिसाब से है या नहीं है, ये भी हमको चेक करना है, उसकी स्पेसिंग। और सिक्स्थ होता है जो बीम होती है, एक बीम से दूसरे बीम, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो मेजरमेंट होता है वो एज पर ड्राइंग है या नहीं है, ये भी हमको चेक करना होता है। सेवन पॉइंट है कि हमको चेक करना है डायमेंशन बीम का, जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ हमको चेक करना है एज पर ड्राइंग है या नहीं है। उसके बाद एट्थ पॉइंट जो हम चेक करते होते हैं, बीम और जो कॉलम होता है वो स्ट्रेट है या नहीं है, ये हमको चेक करना है और वो ड्राइंग के हिसाब से प्लेस है या नहीं है, ये एट पॉइंट होता है। नाइन होता है, हमको चेक करना होता है कि जो बीम है उसके नीचे बराबर सपोर्ट में प्रॉप्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, ताकि हम लोग कॉन्क्रीट करें तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन ना हो, तो हमको ये चेक करना होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टेंथ पॉइंट होता है कि हमको ये इंश्योर करना है कि जो फॉर्मवर्क का जो कॉर्नर होता है वो एकदम टाइट है या नहीं है, ताकि वहाँ पे लीकेज ना हो और लीकेज या बल्गिंग ना हो और जो कंक्रीट है वो वहाँ से नीचे ना गिरे, तो हमको ये कॉर्नर पे चेक करना होता है। इवन हमको बीच में भी चेक करना होता है कि लीकेज ना हो, ताकि पूरा कंक्रीट का वाटर है वो नीचे गिर जाएगा, फिर उस कंडीशन में वहाँ पे हनीकॉम बनेगा। इलेवंथ हमको चेक करना होता है कि जो बीम होता है और जो कॉलम होता है उसका जंक्शन जो होता है जहाँ पे वो मिलता है, मीन्स जो कॉलम का टॉप होता है जहाँ से बीम स्टार्ट होता है, तो वो वाटर टाइट होना चाहिए, वहाँ से भी वाटर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो जॉइंट होता है वो अच्छे से बनेगा नहीं, वहाँ पे भी हनीकॉम्ब आ जाएगा। ट्वेल्थ और लास्ट होता है कि हमको ये भी इंश्योर करना होता है कि जो MEP होते हैं, MEP का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, तो जो ये MEP वाले होते हैं उनका भी हमको क्लियरेंस लेना होता है ताकि हम लोग कंक्रीट स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।